पत्र मिलेगा। जनवरी महीने में नियुक्ति पत्र मिलने की सूचना है। गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने हाथों नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। फेज टू के शिक्षकों का महाजुटान होने वाला है। जनवरी का महीना होगा और 15 से 20 जनवरी यानी खरमास के बाद महाजुटान होना है। करीब 80,000 शिक्षकों का महाजुटान होगा और जल्द ही शिक्षकों की सूची भी तैयार होगी। 1,22,000 पदों पर वैकेंसी निकली थी और करीब 80,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, तो अब नियुक्ति पत्र बांटने की तैयारी चल रही है। खबर मिल रही है कि 15 तारीख यानी कि 15 जनवरी के आगे ये नियुक्ति पत्र देना सरकार शुरू कर देगी। हमारे साथ रजनीश मौजूद है। रजनीश, महाजुटान की तैयारी है, खबर क्या है? देखिए, चुनावी साल होगा 2024 और साल की शुरुआत में ही जो है सरकार जो है एक तरह से फिर इतिहास रचना चाहेगी और एक तरह से बिहार के लोगों को संदेश भी देना चाहेगी, जिसको लेकर गांधी मैदान ही एक तरह से जगह तैयार किया गया और गांधी मैदान में ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो लगभग 80,000 जो सफल अभ्यर्थी हैं उनका महाजुटान होगा। इसके साथ साथ जो बिहार के 38 जिले हैं वहां पर भी जिला मुख्यालय में ये कार्यक्रम का आयोजन होगा। जिस तरह से TRE-1 में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था समारोह का, उसी प्रकार से फिर से ये 16 से 20 जनवरी है। विवेक, हम बता दें 16 से 20 जनवरी है और इस बीच जो है मैं शिक्षा विभाग की तैयारी कर ली और सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ डिप्टी सीएम और तमाम जो मंत्रीगण होंगे वहां मौजूद रहेंगे और बिहार के साथ साथ बाकी प्रदेश के जो अभ्यर्थी जो सफल हुए हैं जिनकी अभी काउंसलिंग चल रही है वो ये लेटर प्राप्त करेंगे और फिर स्कूल ज्वाइन करेंगे। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा और ये मुख्यमंत्री के हाथों होना है। तो 2024 चुनावी साल है और ऐसे में एक महाजुटान की तैयारी हो रही है। 15 से 20 जनवरी के बीच महाजुटान होगा और गांधी मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करके मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांटेंगे।